सो माई नेम इज़ परी चौधरी एंड अभी जस्ट हमने ट्रेलर देखा है लतीफ़ टुलादेन. तो अभी अभी मुझसे पूछा है आपने कि ये जहन में क्या आता है लतीफ़ टुलादेन, तो मैं ना आज क्योंकि आपके जहन में क्या आया उसके बाद मैं बताती हूँ. लादेन आया. ओके सो द सेम वे जब मैंने टाइटल सुना लतीफ़ टुलादेन तो सेम क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि ये लादेन थोड़ा सा मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लतीफ़ टू लादेन, लादेन समझ में आया बट देन हु इज़ लतीफ़. तो लतीफ़ मुझे बताया गया कि हु इज़ लतीफ़ एंड हाउ ही बिकम लादेन मोस्ट वांटेड मैन इन माय माइंड. आई वाज़ अवेयर कि कहानी के बारे में, सो इट वाज़ नॉट न्यू फॉर मी. आई कुड रिलेट टू द सेम कैरेक्टर लतीफ़ क्योंकि जब नरेशन हुआ था मेरे साथ पहली बार ही, आई वाज़ अवेयर कि जो ये सिंपल इनोसेंट आदमी है he becomes by these circumstances he becomes the most wanted man of the country aur use pata bhi nahi hota ki main most wanted hu. So that was the reason I understood the same because of the narration. Otherwise agar main layman hota mujhe kahani ke bare mein pata nahi hota shayad that would have been a little difficult for me to understand ki ye naam kyun hai. So I think that was the case in my case, but he was there from the very beginning, so he'll be able to explain more. तो ये लतीफ़ जो आपने पूछा टाइटल को लेकर लतीफ़ को लादेन तो एक नॉन नेम है हम सब जानते हैं, तो लतीफ़ एक बहुत कैची नेम है. ये फारूक को लादेन भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, बट लतीफ़ अपने आप में बहुत कैची है. लतीफ़ को लादेन अगर देखें साउंड भी ऐसा करता है, मतलब बहुत कैची लगता है नाम. तो ये जब हमने टाइटल डिसाइड किया था तो ये हम जब मैं डायरेक्टर सेटअप से होता हम लोग स्क्रिप्ट पर काफ़ी वर्क करते हैं कहानी के हिसाब से. जब ये स्क्रिप्ट लिखा जा रहा था जब शोएब काज़मी जी हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट बताया हमें, जो शोएब काज़मी डायरेक्टर हैं उनको, शोएब काज़मी जी हैं जिनका ये कॉन्सेप्ट है, उन्होंने जब कॉन्सेप्ट बताया तो जो डायरेक्टर है शोएब काज़मी उनको भी बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा. तो उन्होंने कॉन्सेप्ट पर बोला कि हम लोग इस पर स्क्रिप्ट लिखेंगे, तो उस पर स्क्रिप्ट लिखा और उसके बाद मैं उसमें काफ़ी इन्वॉल्व था स्टार्टिंग से स्क्रिप्ट में. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी इसमें जो हम फनी वे में बता सकते थे. तो छोटे छोटे टॉपिक्स भी हैं जो इश्यूज़ हैं जम्मू कश्मीर में उनको भी थोड़ा थोड़ा टच किया, लेकिन बड़े ह्यूमर के साथ और बड़े स्टाइल के साथ. कॉमेडी एक ऐसा जरिया है जिस हिसाब से, इनफैक्ट अगर हम सीरियस फिल्म बनाने लग गए, अगर हैदर एक फिल्म बनी थी कश्मीर पे, वो एक सब्जेक्टिव फिल्म थी. उन्होंने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बात की है, टॉपिक पे बात की, दो दैट वाज अडेप्टेशन ऑफ हैमलेट. लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं अगर आपको अपनी सोसाइटी के बारे में, जैसे कि मंटू का मैंने परसों भी एक कहीं पे जिक्र किया था, मंटू वाज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी. तो कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी के बारे में इंसान को फिल्मों के जरिए बात करनी चाहिए. और अगर आप हंसते हुए कोई बात, अगर आप हंसते हुए किसी को प्यार से गाली भी दोगे तो उसे बुरा नहीं लगता. तो इसीलिए कोई इश्यू अगर हंसते हुए आप बोलोगे तो इंसान थोड़ी देर के लिए उस पर हंसेगा, लेकिन डाउन द लाइन वो एक सवाल आपके दिमाग में बीज कर जाएगा कि व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन और द आंसर फॉर दिस. बचपन से अगर हम देखें तो उनकी फिल्में देखते आए हैं. इनफैक्ट आई रिमेंबर फ्रॉम मैंने प्यार किया से शायद आज तक सारी फिल्में देखी होंगी ऑलमोस्ट. और जब पहली बार ही सामने देखा दो ऐसा स्टार स्ट्रक तो नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री में हूँ, बट व्हेन आई फर्स्ट इंटरेक्टेड विद हिम तो वहाँ पे लगा यार मैं एक इंसान से बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट स्पीकिंग टू सम स्टार. सलमान खान जैसे नाम सुनते हैं तो एक ऑरा समझ में आता है, 10-15 बॉडीगार्ड्स, एक 50 लोगों की पुलिस की टीम आती है तो वो आपके जहन में आता है. बट व्हेन यू स्पीक टू हिम एज अ पर्सन ही इज़ इन्फॉर्मेटिव, ही इज़ अ लर्न मैन, और वहाँ से इंसान को इंस्पिरेशन मिलती है जब वो बातें करते हैं. हमने कश्मीर में जब बैठे थे बजरंगी के दौरान तो हम वी यूज़ टू टॉक अबाउट फॉरेस्ट्स, टू प्रिजर्व फॉरेस्ट्स. और एक और एंगल, एक और साइड उनका देखने को मिला एट द पार्टी जब उनके फार्म हाउस पे हुई थी, तो वो दिल से एक बच्चे हैं. लेकिन दिल से बच्चा होना, एग्जैक्टली दिल से कोई बच्चा है इस हिसाब से वो उछल कूद, स्विमिंग पूल, सबको लाइफली. इनफैक्ट आई रिमेंबर एक एडी को उन्होंने 10 मिनट में स्विमिंग सिखाई. दिस इज समथिंग बिकॉज एडी के लिए भी यही बात थी कि मुझे सलमान खान सिखा रहा है, तो उसको पता नहीं क्या हो गया 10 मिनट में. तीसरी के बारे में तो भाई धर्मा से पूछो, बट ये है कि ये फिल्म सारागढ़ी पे, बैटल ऑफ सारागढ़ी पे बेस्ड है और अक्षय कुमार उसमें लीड कर रहे हैं और धर्मा की फिल्म है और उसमें पठान वर्सेस सिख फौज है और आई एम प्लेइंग द चीफ इन पठान जो एंट अगेंस्ट में है. हम तीन कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, तीन पठान है, तो आई एम प्लेइंग वन ऑफ द लीड कैरेक्टर्स एंटीगनिस्ट नेगेटिव फिल्म. और शेड्यूल कंप्लीट होगा मेरे ख्याल से नवंबर में और रिलीज होने की डेट है 21st ऑफ मार्च 2019.
जैसे अच्छा लगता है जब ऐसे अभी इनके साथ बैठा हूँ तो मुझे ऐसे थोड़ी सी नर्वसनेस भी हो रही है कि इनके साथ बैठ के मैं मीडिया बाइट्स दे रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है और ये इतना अप्रिशिएट करते हैं। और सेट पे भी ये छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत वर्क करते थे, लाइक मैं किसी करेक्टर में हूँ अगर इमोशनल हूँ मैं, तो जब मैं एक टेक होता है अगर दोबारा टेक होना है तो और किसी को मुझसे बात नहीं करने देते कि वो करेक्टर में, उसको करेक्टर से बाहर में जाने दो, अब बात करोगे तो उसका फील चला जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें सीखने को भी मिली इनके साथ और काफ़ी अच्छा लगता है। नर्वस नहीं है बट क्या है कि जब आप काफी मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं तो अच्छा लगता है काफी, तो एक नर्वसनेस रहता है अंदर क्या, बटरफ्लाईज नर्वसनेस एंड एक्साइटमेंट। देखा जाए बीइंग नर्वस इज नॉर्मल, अगर आप नर्वस हैं आप नॉर्मल हैं, क्योंकि एक छोटे से गांव से आप बिलोंग करते हो और फिर आप इतना बड़ा डिसीजन लेते हो, ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन होता है, जब इतना बड़ा डिसीजन आपने लिया है कि मुझे लाइफ में ये करना है तो फिर उस पर आपको खराब भी उतरना है, तो थोड़ा सा नर्वसनेस, थोड़ा सा वो डर वो अंदर रहता ही है कहीं ना कहीं। बट जो इन्होंने कहा कि तैयारी करिए है तो वो तैयारी बहुत काम आती है, अगर आपके पर्सनली बिलीव योर प्रिपरेशन मेक्स एन अपॉर्चुनिटी दैट्स लक। तो ये मैं बताऊं, आप उस फिल्म को देखोगे ना तो उसके बाद आप, मुझे लगता है उसके बाद अगर मैं आंसर करूंगा आप शायद सवाल इस तरह का पूछेंगे भी नहीं। वो फिल्म क्योंकि नाम सिर्फ बुरहान आ गया, तो एक छोटी सी एग्जांपल है जैसे गजनी फिल्म है तो गजनी में जो विलन है उसके नाम पे फिल्म, बट वो काम खराब करता है उसमें, वो मारता है लड़कियों को, रेप करता है, सब कुछ करता है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो गलत काम। वैसे ही एक टॉपिक है कि कश्मीर में ऐसे इश्यूज होते हैं, ये एक टॉपिक था बुरहान, बट आप फिल्म जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमने किस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाने की कोशिश की है कि एक्चुअल में ये रास्ता तो गलत है मिलिटेंसी का, बट ये भी मानना चाहिए हमें कि जो अफ्सपा है, जो हैदर में भी यही चीज़ हैदर में बहुत डायरेक्टली बताई है बट किसी ने सवाल नहीं किया, अफ्सपा जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स वहाँ पे हैं वो ऑब्वियसली ठीक है, वहाँ पे ज़रूरत है, बट कई जगहों पे गलत फ़ायदा उठाया गया है, कई केसेस सामने आए हैं जिनको लेके कुछ सोल्यूशन नहीं हुआ है, रेप्स हुए हैं बहुत सारे, 200 औरतों का रेप हुआ है एक साथ, कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। अब जो लतीफ़ टू लादेन है इसका कोई कनेक्शन उससे नहीं, ये एक सटायर है, कॉमेडी है और ये एक इसका इसका उसका बिल्कुल ये ट्रीटमेंट ही अलग है एक दूसरे से। मैंने इस फिल्म के लिए तो नहीं सोचा क्योंकि मुझे पता है इसमें कुछ कंट्रोवर्सी वाला ऐसा है नहीं है, बट इवन कि शायद हमारी पूरी कोशिश रहेगी, सेंसर नेटफ्लिक्स में जा रही है वो फिल्म, रिलीज़ भी हमारा प्लान रहेगा अगर सेंसर से हो जाता है, नहीं होता तो ऑब्वियसली वो रिलीज़ नहीं होगी बुरहान, और हो जाती है तो वो रिलीज़ होगी। मेरे को कोई डर नहीं है उस चीज़ को लेकर, क्योंकि मेरे को उसको भी लेकर डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जब आप फिल्म देखोगे तो आप खुद समझोगे कि हमने एट लास्ट क्या दिखाया। अब वो मैं अभी बता दूंगा तो फिल्म ख़त्म है। इतने ज्यादा फंडामेंटल राइट्स हैं, आप फ्रीडम ऑफ से है, फ्रीडम ऑफ मेकिंग है, आपके पास सेंसर है, सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड को नहीं पसंद आएगा जो लॉज के अंदर नहीं आता है तो बंद हो जाएगा, बट उन चीज़ों को लेके अब्यूज करना, बहुत ज़्यादा बोलना, बहुत ज़्यादा देशद्रोही बोलना बहुत गलत बात है, क्योंकि और खास करके मुझे सबसे ख़राब चीज़ देखो, हम ये गुजराती फैमिलीज़ हमें कश्मीर से बिल्कुल अपोजिट वो हो जाता है, बट हम लोग बहुत मिलजुल के एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो हमारे बीच में वो चीज़ें हैं नहीं, बट क्या होता है ना जब भी कोई मुस्लिम इस तरह की कोई चीज़ बोल दे तो वो हो जाता है कि आप चले जाओ पाकिस्तान, तो हमें समझ नहीं आता कि हम भी तो यहीं के हैं, हम पाकिस्तान क्यों जाएँ, समझ लो, तो वो चीज़ ना, मतलब वो एक टारगेट हो जाता है कि हिंदू के हाथ में गन है तो वो कोई डाकू हो सकता है जैसे यूपी में होते हैं, देसी कट्टे चलाते हैं, मर्डर्स भी होते हैं, और मुस्लिम के हाथ में गन है तो वो सीधा टेररिस्ट, तो वो एक वो धब्बा लग जाता है, तो वो क्लियर करना चाहिए, दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए। कंट्रोवर्सी की अगर बात रहती है, कंट्रोवर्सी की हम बात करते हैं, जैसे इन्होंने फिल्म बनाई है, ठीक है, सो हम फिल्म बनाते हैं तो फिल्म के अंदर
सेंसरशिप है, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप अगर शॉर्ट फिल्म्स देखेंगे, वेब सीरीज देखेंगे, उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे सेंसरशिप को कोई इश्यू नहीं है, वहाँ पे सेंसरशिप है ही नहीं, वहाँ पे कोई भी जो फिल्म मेकर है या कोई धर्मगुरु है वहाँ से कोई उठाते नहीं है। फिल्म अगर बनती है तो फिल्म मेकर को परेशान करने के लिए या तो फिर कुछ भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए वो लोग करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये आपकी बात सही है कि टारगेट किया जाता है, जो थोड़ा सा भी जिसका कहीं नाम बन जाए या बन जाए तो दूसरे लोग उसको बोल के अपना भी नाम बनाते हैं बस, और अपनी पॉजिटिव साइड दिखाते हैं। Correct. बस ये चीज़ होती है, क्योंकि हाँ अगर एक आदमी सड़क पर चलता हुआ इस तरह की डिस्कशन करता है, सड़क पर चलते हुए लोग बात करते हैं तो लोग सुन के इग्नोर कर देते हैं। सड़क पर कितनी चीज़ें होती है, आप यूट्यूब पर रोज़ वीडियोज़ देखो तो किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई उठा नहीं रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है, कोई किसी दो लोग कोई किसी की सास को मार रही है और सब लोग देख रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, वहाँ कोई पूछने नहीं जाता। सवाल सिर्फ तब खड़ा किया जाता है जब इस तरह का कोई नाम आता है जो मीडिया में आ जाएगा, जिसके थ्रू भी मीडिया में आ जाएंगे। राइट, तो ये फैक्ट है, ये टारगेट किया जाता है। सो सिर्फ एक फेम के लिए वो फिल्म को पकड़ते, अदरवाइज मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी वेब सीरीज को किसी ने टारगेट किया हो, किसी शॉर्ट फिल्म को किसी ने टारगेट किया हो। बट प्रेम, जब इस फिल्म की बात करते हैं, वाज देयर एनी सेकंड थॉट दैट यू वांटेड टू गेट एसोसिएटेड विद द फिल्म, या कुछ चीजें थी ज़हन में कि यार इस तरह से अगर हम दिखाएंगे तो देयर विल बी प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम्स विल बी गेट क्रिएटेड एंड एवरीथिंग, वाज देयर एनी सेकंड थॉट? नहीं, मुझे ऐसा थॉट नहीं आया, क्योंकि हमने स्क्रिप्ट पूरी पढ़ी थी, हमने फिल्म लिखी है, हमें ये मालूम है कि ये जो फिल्म बनेगी वो कैसे बनेगी, ठीक है? तो ऐसा मुझे था ही नहीं कि ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, बट हाँ मे बी अगर कुछ नाम को लेके या शाहिद ने जो पहले बुरान वानी प्रोजेक्ट किया है उसको लेके शायद मे बी कुछ हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो कि मुझे ऐसा डरना चाहिए या किसी भी फिल्म मेकर को डरना चाहिए कि अगर कोई डायरेक्टर्स ने ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनाया है तो मे बी उसकी कंट्रोवर्सी की वजह से इस फिल्म को कुछ इम्पैक्ट पड़े, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। हमने सारी चीज़ें पॉजिटिव है मिली, क्योंकि मैंने भी देखी है फिल्म सारी, इनके जो प्रोजेक्ट है हमने सारी चीज़ें साथ में काम किया है, तो हमें पता है कि कैसे आगे बढ़ना है, तो इस कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट ही है नहीं पहली बात, तो मुझे ऐसा कोई डर था नहीं, सो आई एम लाइक वेरी हैप्पी फॉर दैट एंड ही डिड अ गुड जॉब, हमारे सारे एक्टर ने अच्छा काम किए, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। जी तो ये जो फिल्म है 26 अक्टूबर को नेक्स्ट मंथ में ये रिलीज होगी, आई थिंक PVR के थ्रू हम रिलीज कर रहे हैं, सो PVR इज इन वकाउ रिलीज एंटरटेनमेंट जो है, विच इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ PVR सिनेमाज एंड बुक माई शो, सो दे आर गोइंग टू रिलीज दिस फिल्म, दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द फिल्म अक्रॉस इंडिया, सो आई वी पिक्ड अप यू नो द स्मॉल सिटीज एंड बिग सिटीज फॉर द। क्या मीनिंग क्या उसका? बर्दाश्त नहीं होता है किसी चीज को लेके, करता है चीजों पे। मैंने कहा ना कुछ तो लोग मैक्सिमम, तो क्या होता है जब एक इशू यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टा पे कोई भी चीज़ एक हाइप लेने लग जाती है तो लोग सभी उस तरफ ही घुसने शुरू हो जाते हैं, चाहे उस चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है या नहीं। किसी एक ने तारीफ, एक आदमी होटिंग करता है सब होटिंग करना शुरू करते हैं, भेड़चाल वाली बात भी है, तो मैक्सिमम नंबर्स जो लोगों के होते हैं वो तो बस उस तरह से होते हैं, उस भेड़चाल में चल रहे होते हैं कि 10 लोग इस तरफ जा रहे हैं, मैं इस तरफ जाऊंगा तो शायद मैं गलत दिखूं, मैं भी इस तरफ चला जाता हूं, शायद बीच से वो भी वैसा हो, है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो हाँ ये चीज़ें भी हैं कि लोग टांग खींचना, ये सब चीज़ें कुछ जगहों पे होती है, पर हमारे फील्ड में खैर हम ये चीज़ें शायद लाइफ टाइम चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारे खुद का ग्रुप होता है तो हम लोग अपने लोगों को पहले देखते हैं, वैसे ही बड़े स्टार्स लोग हैं वो अपने बच्चों और भाइयों को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ यू नो अटेंशन कैच करने वाली थी वो था म्यूज़िक। उस म्यूज़िक जिस तरह से वो प्ले हो रहा था ट्रेलर में एंड द मूवी में, उसमें क्या हो रहा था कि बहुत एनर्जेटिक साउंड हो रहा था, द फील वॉज सो गुड कि बंदा बैठ कर देखना चाहेगा, दैट वॉज द मेन थिंग ऑडियंस के लिए, हमको ये चाहिए कि हम बैठ कर वो मूवी देखें, सो दैट इज़ पास, दैट इज़ चेक्ड। सेकेंड थिंग, येस दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स आर ऑलवेज वेरी सेंसिटिव, बट इट्स ओके, जब किसी भी जब जयललिता पर मूवी बन सकती है तो ये तो बहुत नॉर्मल सा टॉपिक चल रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ मैंने अभी रोडीज जीता है 2017 में, और आगे फिटनेस को लेकर आई एम प्लानिंग टू कम अप विद माय शो, मेरा खुद का एक शो, सो आई एम प्लानिंग टू रीच आउट टू चैनल, सिर्फ चैनल अप्रूव कर देता है तो मैं उसके बारे में डिस्कस कर सकती हूँ, और ये एक्टिंग और फिटनेस हमेशा मिक्स रहेगा, फिटनेस कहीं नहीं जाने वाला मुझसे। आई एम ओपन टू डू ऑल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, बट मुझे वो एक मेन स्ट्रीम वाला काम नहीं करना, इफ आई एम डूइंग मूवी, इफ आई एम डूइंग सीरियल, इट हैज टू बी वेरी स्पेशल। आई थिंक द ट्रेलर वाज रियली अमेजिंग, बिकॉज टू हैव
मतलब ऐसी एक फिल्म जहाँ एक स्टार नहीं है बट स्क्रिप्ट और कॉन्सेप्ट स्टार है, आई थिंक दैट इज द न्यू वेव इन सिनेमा जो आज हम देख पा रहे हैं. और मुझे बहुत स्पेशल लगा क्योंकि जो एक्टर्स हैं, जो कैरेक्टर्स को लेके, जो स्क्रिप्ट को लेके, जो कॉन्सेप्ट को लेके, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है. और वो डायनामिक लगा मुझे, बहुत फास्ट पेस लगा, ड्रामेटिक लगा और बहुत रॉ, वो जो फीलिंग है, बहुत रॉनेस थी, वो मैंने बहुत इंजॉय किया. टाइटल देखे मुझे पहले तो लगा कि इट्स अबाउट टेररिज्म, बट जब मैंने जब ट्रेलर देखा तो लगा कि अच्छा कॉमेडी भी है. और कॉमेडी इज ऑल अबाउट टाइमिंग्स. मैं खुद थिएटर करती हूँ तो पूरी चीज टाइमिंग के बेसिस पे है. आई एम श्योर दैट इट विल बी इंटरेस्टिंग. जब पूरी फिल्म रिलीज होगी तो पता चलेगा कि किस तरीके से कॉमेडी को, टाइमिंग को लेके वो यूज किया गया है. एक्चुअली आई लव द ट्रेलर एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट द ट्रेलर इज दैट कि वो बहुत रियलिस्टिक है. एंड आई थिंक वी आर इन अ वेरी गुड एज ऑफ सिनेमा वेयर लाइक आज के टाइम पे ये मैटर नहीं करता कि मूवी बड़ी है या छोटी है, पीपल वॉन्ट टू सी गुड कंटेंट. एंड आई रियली थ्रू द ट्रेलर जो मुझे समझ में आया कि कंटेंट इज वेरी रियलिस्टिक एंड आई रियली इंजॉय इट. एंड वट एवर जो मैंने देखी अभी तक फिल्म वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी. सबने एक्टिंग बहुत ही रियल की है विच इज़ लाइक रियली आई कैचिंग. एंड आई थिंक जो डायरेक्टर हैं शाहिद जी, उन्होंने बहुत अच्छा जो एक फ्लो है तो उनका बहुत स्मूथ है. सो लाइक इट्स अ रियली नाइस क्वालिटी. एक्चुअली आई जस्ट कम्प्लीटेड वन हॉरर फिल्म विद रजनीश दुग्गल एंड कुनाल कपूर, सो विच इज रिलीजिंग मोस्ट प्रोबब्ली इन नवंबर. सो आई एम ऑल सेट. जो ईला अरुण जी डायरेक्ट कर रहे हैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. 6th और 7th को NCPA में दो शोज होंगी, 5 o'clock एंड 7 o'clock. तो KK रायना जी, ईला अरुण जी डायरेक्ट कर रहे हैं. मैं इस इंग्लिश प्ले बेबीज ब्लूज, तो अगर आना चाहें ज़रूर आइएगा. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. मैं एक बबली हैप्पी वो लकी गर्ल का किरदार मैं रोल प्ले कर रही हूँ. सो इट्स माई फर्स्ट प्ले इन बॉम्बे एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. देन क्वेश्चन प्लानिंग ऑफ फिटनेस शो. फिटनेस शो क्या हो रहा है अब चैनल्स पे? हर जगह बहुत मसाला, बहुत नेगेटिविटी भरा हुआ है हर रियलिटी शो में. आई वांट टू कम अप विद अ शो जिसमें बहुत पॉजिटिविटी रहे. यानी इट्स माय शो, इट हैज टू बी रिटन बाय मी. तो आई एम श्योर चैनल्स विल लव इट एंड इफ दे अप्रूव आई विल डिस्क्लोज दैट.